कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत से 2000 मीटर कम है। हिमालय पर्वत पर आज तक हजारों लोग चढ़कर वापस आ चुके हैं, लेकिन कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत के शिखर को छू तक नहीं पाया है। यहां तक कि कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई भी हेलीकॉप्टर को भी नहीं उड़ाया जा सकता। दुनिया भर के वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। आखिर जो कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। आज आपको कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे रहस्य बताए जाएंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। इन रहस्यों से अभी तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा है पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत न हो, लेकिन इसके अंदर मौजूद रहस्यों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से जानी जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसकी मृत्यु ही हो गई है। कैलाश पर्वत के बारे में जो सबसे बड़ा रहस्य वो ये है कि धरती के केंद्र में मौजूद है। कैलाश पर्वत दोस्तों धरती के एक और उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है। दोनों के बीच में है कैलाश पर्वत, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक मान्यताओं के लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग में जाने का रास्ता मौजूद है, और कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव साक्षात मौजूद हैं। इसलिए कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के चार सबसे मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों का केंद्र है। कैलाश पर्वत के बारे में दूसरा जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि इसका अजेय होना, यानी कैलाश एकमात्र ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। आज कैलाश पर्वत के ऊपर चीनी सरकार ने चढ़ने पर बैन लगाया हुआ है, क्योंकि चीन के वैज्ञानिकों ने पहले कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ कुछ अनहोनी घटना हो गई थी। लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की और उसका दावा किया है कि इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वे पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी ये रहस्य बना हुआ कि कैलाश पर्वत पर क्या था। दोस्तों, कैलाश पर्वत धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जो विज्ञान को भी चुनौती दे रहा है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। कैलाश पर्वत के बारे में दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि कैलाश पर्वत के आसपास आने वाली डमरू की आवाज। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने पर डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि आवाज बर्फ के पिघलने की भी हो सकती है। हालांकि शिवजी के भक्त इस आवाज को डमरू की आवाज मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है। यहाँ आए हुए लोगों की आवाज डमरू की आवाज की तरह लगती है, लेकिन इस बात की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा चौथा जो इसका सबसे बड़ा रहस्य वो ये है कि पिरामिड नुमा होना। क्यों है यह पर्वत पिरामिड नुमा? कैलाश पर्वत एक विशाल काय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के चार दिग्बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में पांचवा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम इस पर्वत की कैलाश पर्वत की चार दिशाओं से नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्णाली, इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मयूर मुख है। नंबर 6, कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचने का रहस्य। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। दोस्तों, कोई भी बड़े पहाड़ पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी की जमीन से ऊंचाई की ओर चलने लगते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर का है।
और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को अब तक हजारों से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6638 मीटर है। अगर मोटे तौर पर देखें तो माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से 2000 मीटर ऊंचा है। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। इसका मतलब कुछ तो कैलाश पर्वत पर ऐसा है जो पर्वतारोहियों के कदमों को पीछे खींच रहा है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों का मानना है कि पर्वत पर चढ़ाई करते समय खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि मानो यह पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया हो वो उस पर्वत से वापस नहीं लौटा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा के कोई उनके स्थान पर आ जाए। हालांकि 11वीं सदी में जिस तिब्बती बौद्ध योगी मिलारपा के कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने का दावा किया जाता है और कहा यह भी जाता है कि वह सही सलामत वहां पर चढ़कर वापस आ गए थे, लेकिन मेन बात यहां पर अटकती है कि उस बात के आज तक किसी के पास प्रमाण नहीं है। नंबर 7, ये थी मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना कि हिमालय पर यति मानव रहता है और इसे भूरा भालू कहते हैं और जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कोई जंगली मानव कहता है तो कोई हिम मानव, ये धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे नियंड्रेथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीली इलाके में हिम मानव आज भी मौजूद है। नंबर 8, आसमान में लाइट का चमकना। जब कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में दुनिया भर में चर्चाएं होने लगी तो इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट जागा। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहां के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहां का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण के लोग भी इस बात को नहीं मानते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु के साथ संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। उन्हीं दंत कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए 1999 में रूस के एक वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत का कई दिनों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार की गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या फिर किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह की रेडिएशन होने के कारण इसे पैरालौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 9, कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों के नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। दोस्तों, नाखूनों और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है वो यहाँ केवल 24 घंटे में हो जाती है, पर इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रशिया के एक पर्वतारोही जब कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। इसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे वो नीचे आते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। हालांकि इतनी सारी घटनाओं को देखकर गवर्नमेंट ने वहां पर आने जाने पर बैन लगा दिया है। अब दोस्तों, आप कैलाश पर्वत के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।